सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज लगभग मेरी वीडियो 4 दिन बाद आई है, तो इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जैसे ही कुछ यूट्यूबर हैं जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल कर बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था, और इस पार्टी के कारण मुझे 2 दिन के लिए अजमेर जाना पड़ा, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। और इसके अलावा वे मुझे एक और सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन वो सरप्राइज़ क्या है वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम इस धरती पर ये 3 मौसम सर्दी, गर्मी व बरसात हमेशा से ही देखते आए हैं, और निश्चित रूप से हम इन मौसमों के आदि हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे जीवन के लिए या जीवित रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से आप वायु का नाम लेंगे। लेकिन आप सभी पानी की अहमियत तो जानते हैं, जो हमें बरसात के रूप में मिलता है। जब बरसात होती है तब हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो यदि कभी बरसात ही ना हो, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी बिल्कुल सूखी पड़ जाएगी। लेकिन कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि वो चारों ओर तबाही मचा देती है। खैर छोड़िए दोस्तों, आप यह तो जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में अरबों खरबों ग्रह व तारे हैं, लेकिन उन ग्रहों में पृथ्वी सबसे अलग है। दोस्तों, जब बात हमारी पृथ्वी की हो रही है तो हम हमारे सौरमंडल को तो कैसे भूल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? आप में से बहुत से इसका कारण जानते होंगे, और वो है पृथ्वी का हैबिटेबल प्लैनेट होना, और इसका दूसरा कारण है पृथ्वी पर बरसात के रूप में पानी गिरना। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी के अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसमें बरसात होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारे सौरमंडल का ही एक उपग्रह टाइटन, उस पर तो बारिश होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन बारिशों में द्रव जल के रूप में नहीं होता है, बल्कि उन दूसरे ग्रहों पर बारिश मीथेन, ड्राई आइस व सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम हमारे यूनिवर्स के कुछ ग्रहों की बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर बारिश किन चीज़ों की होती है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज एंड यू आर वॉचिंग स्टोन कोल्ड। शीशे की बारिश। दोस्तों, हमारे सौरमंडल से 63 लाइट ईयर्स दूर एक नीले सुंदर रंग का एक ग्रह उपस्थित है दोस्तों, जिसका नाम है HD 189733b। दोस्तों, यह ग्रह सुंदर होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है, और इसका कारण है पिघले हुए कांच व गर्म शीशे। दोस्तों, यह ग्रह अपने सूर्य के बेहद करीब स्थित है, और इसका तापमान लगभग 982 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है, व इस ग्रह पर हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं। दोस्तों, यदि आप इस ग्रह पर खड़े हो जाएं तो आपकी मौत बहुत भयानक होगी, क्योंकि इस ग्रह पर गर्म शीशों की बारिश होती है, जिसके कारण आप बहुत गहरे जख्मों से मर जाएंगे। चट्टानों की बारिश। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का एक ग्रह जिसका नाम है COROT 107b, यह आकार में हमारी पृथ्वी से दुगना है, वह इसके अलावा इसकी एक साइड हमेशा इसके सूर्य की ओर रहती है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान 2336 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस ग्रह पर मौसम बदलते हैं तो यहाँ चट्टानों की बारिश होती है, और ये चट्टानी टुकड़े कभी कभी इस ग्रह पर गर्मी के कारण भाप में बदल जाते हैं। लोहे की बारिश। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 4892 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट उपस्थित है, और 4800 लाइट ईयर्स दूर होने के कारण इस ग्रह पर पहुंचना नामुमकिन है। दोस्तों, इस ग्रह का नाम है OGLE-TR-56b। दोस्तों, यदि इसकी दूरी की बात करें तो इसके ही सूर्य से दूरी हमारी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 20 गुना कम है, और इतना नज़दीक होने के कारण इस ग्रह पर पिघले हुए लोहे की बारिश होती है। दोस्तों, यदि इसके वायुमंडल की बात करें तो आपको इस पर बादल दिखाई दे जाएंगे, और इसकी सतह का तापमान 1704 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसके अलावा यहाँ का मौसम बहुत ही अजीब रहते हैं। हीरो की बारिश। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह व शनि ग्रह पर हीरो की बारिश होती है। जी हाँ, ये वही हीरे हैं जिन्हें इंसान पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, करीब 1000 टन यानी कि 907 मीट्रिक टन डायमंड्स हर साल शनि ग्रह पर बरसते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये हीरे नेपच्यून और यूरेनस पर भी बरसते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शनि ग्रह पर गहन बिजली के तूफान 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलकर शनि के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन के अणु से टकराकर उन्हें तोड़ देते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु स्वतंत्र रूप से फ्लोट होकर हीरो के रूप में गिरने लगते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि ताज़ा और गर्म सल्फ्यूरिक को एसिड के रूप में जाना जाता है, यानी कि तेजाब के रूप में।
दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के समान आकार का एक ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा पड़ा है। लेकिन सूर्य के नज़दीक व इसका तापमान लगभग 480 डिग्री सेल्सियस होने के कारण बारिश केवल 15.5 मील तक ही सतह तक पहुंच पाती है और उसके बाद यह गैस में बदल जाती है। दोस्तों शुक्र ग्रह का वायुमंडल इतना घना है कि हम इसके वायुमंडल के पार नहीं देख सकते, केवल हमें सल्फ्यूरिक एसिड के ही बादल दिखाई देंगे। बर्फीली मीथेन की बारिश। दोस्तों आप शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन को तो भलीभांति जानते ही होंगे। दोस्तों यह वह उपग्रह है जहां पानी बिल्कुल नदियों झरनों के रूप में बहता हुआ मिल जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस उपग्रह पर बर्फीली मीथेन के तूफानों की बारिश होती है। दोस्तों अजीब बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर जहां बारिश साल में कई बार हो जाती है, उसके विपरीत टाइटन पर बारिश हजारों सालों में होती है। दोस्तों अधिक दूरी होने के कारण टाइटन के सतह का तापमान -143 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसके कारण यहाँ मीथेन तरल रूप में पाई जाती है। दोस्तों ये कुछ ही उदाहरण थे, न जाने हमारे ब्रह्मांड में और कितने उपग्रह ग्रह आदि उपस्थित हैं जहाँ कुछ अलग ही रोमांचित घटना होती रहती हैं। दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे लाल दानव सूर्य पर प्लाज्मा की बारिश होती है, वह बृहस्पति पर तरल हीलियम और मंगल ग्रह पर ड्राई बर्फ की बारिश होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।